नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। आज हम आपको हृदय के लिए कुछ विशेष रोग जैसे बढ़ी हुई धड़कन को सामान्य करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, हृदय को शक्ति देने, ब्लड प्रेशर को कम करने के बारे में बहुत ही सरल और प्रभावकारी नुस्खा बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गाजर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ल्यूटिन, जियाजेंथिन ये और विटामिन सी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे हृदय और शरीर के अन्य अंगों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करते हैं, जिससे हमारी रक्त वाहिनाओं में रक्त का संचारण सुचारू रूप से होता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। बाइल जो के लीवर में बनता है उसके उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी आंतें वसा यानी फैट को आसानी से पाचन कर सकती हैं, जिससे शरीर में फैट की मात्रा नहीं बढ़ती। तो आइए जानते हैं हृदय के लिए गाजर के उस चमत्कारी नुस्खे के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आप 5 गाजर लीजिए। इनको कोयलों के अंगारों पर आपने पकाना है। पकाने के बाद थोड़ी ठंडी कर लीजिए और इसको कद्दूकस कर लीजिए। अब इस गाजरों में केवड़ा या गुलाब का अर्क मिलाकर साथ में मिश्री मिलाकर खाइए। और अगर पका नहीं सकते तो गाजरें छीलकर रात भर बाहर ओस में रखी रहने दीजिए। प्रातःकाल इन गाजरों को कद्दूकस करके केवड़ा या गुलाब का अर्क तथा मिश्री मिलाकर खाने से हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है। अब दूसरा है दोस्तों, गाजर को कद्दूकस कर लीजिए। अब इनको दूध में उबाल लीजिए। जब गाजर गल जाए तो शक्कर मिलाकर खाने से हृदय को शक्ति मिलती है। गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबालकर खीर की तरह खाने से हृदय को ताकत मिलती है और खून की कमी खत्म हो जाती है। गाजरों को साफ करके छोटे छोटे टुकड़े करके शहद मिले जल में उबालना है आपने। जब गाजर कुछ नरम हो जाए तो निकाल कर कपड़े पर फैलाकर कुछ शुष्क कर लें। फिर केवल शहद में उबालकर एक तार चाशनी बनानी है और बर्तन में रखना है। इसके 1 किलोग्राम मुरब्बे में 1 से 2 ग्राम दालचीनी, सौंठ, इलायची, केसर, कस्तूरी तथा जायफल डालना है। 40 दिन बाद इस मुरब्बे का सेवन आपने 20 से 40 ग्राम तक करना है। यह मुरब्बा दिल की कमजोरी और उन्माद के लिए अति उत्तम है। यह मुरब्बा अत्यंत कामोत्तेजक है और यह जलोदर में भी लाभदायक है। अगर आप ये नहीं बना सकते तो आप बाजार से बना बनाया भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वो नुस्खा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बढ़ी हुई दिल की धड़कन को ठीक कर देगा, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल कम करेगा और बड़े बीपी को भी कम कर देगा। तो दोस्तों, आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।